अपने मन नु परमेश्वर दी अल लगावांगे सब जन सब जन अपनी अखन बंद करांगे सी सब जन अपने मन नु परमेश्वर दी अल लेके जावांगे अज दे समय लिए अज दे दिन लिए ए मेरे यहोवा परमेश्वर ए पाक खुदा इस धरती और आकाश नु बनाउण वाले यहोवा परमेश्वर तू महान है तू अत पवित्र है तेरा सी थैंक्स करते हैं धन्यवाद करते हैं तेरा वेलकम करते हैं आज दे दिन दे लिए आज दी इस समय दे लिए सचमुच जो यहोवा परमेश्वर तू सानू इकट्ठा कीता यहोवा परमेश्वर सचमुच तेरा कलाम दसदा तेरा जिंदा वचन दसदा जिते दो जां तीन मेरे नाम दे लैण सचमुच उहनां विच मौजूद है और सचमुच यहोवा परमेश्वर असीं विश्वास करते हैं अज दे दिन दे लिए अज दे समय दे लिए कि सचमुच तुसीं मौजूद हो अनुग्रह कृपा होने जा रही यहोवा परमेश्वर सचमुच पवित्र शास्त्र तेरा जिंदा कलाम दसदा कि सचमुच मेरी चाहत है कि सारा जगत बचाया जाए और सच दे ज्ञान तक पहुंचे मेरे यहोवा परमेश्वर सचमुच असीं चाहत करते हैं विश्वास करते हैं कि हरेक जन जे तक मसीह का नाम नहीं पहुंचे उदे तक मसीह का नाम पहुंचे हरेक घुटना अज उहदे सामने झुकाया जाए ए मेरे खुदा बाप सचमुच तेरा थैंक्स करते हैं धन्यवाद करते हैं कि सचमुच तुसीं अज साडे सन्मुख हो साडे विच मौजूद हो यहोवा परमेश्वर साडी प्रार्थना तुहाडे सेव तुहाडे दास दे जो तुहाडे अभिषेक ने असीं प्रार्थना करते हैं उन्हां दे लई उन्हां दी पत्नी दे लई कि आप उन्हां नूं सिर तों लैके पैरां तक मसा दे नाल भर चुकियो असीं चाहत करते हैं उन्हां दी विश्वास करते हैं यहोवा परमेश्वर सचमुच ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੇਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ
पाप तो धोया है मैनू तेरे पाक लहू प्रेम तेरा बेमिसाल यीशु
कीमती लहू नालिए मैं छुटकारा पा लिया। अमीन। परमेश्वर जी का धन्यवाद महान गुरु यीशु मसीह के नाम दे विच इस भजन दे लई। हेलो ना मुश्किल चो डर के कदे हार मन
ठीक है जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद मसीह गुरु यीशु जी दे सामर्थी और पवित्र नाम दे विच। जे तू मन लावेगा हालातां ते कमजोरी हो जावेगा, जे तू मन लावेगा हालातां ते कमजोरी हो जावेगा, ਕੁਝ
मन जिन्ने आउंदे ने ए तां तेरे मन नूं डराउंदे ने ਜੇ
सब अपने हाथों मनाते हो पूरे दिल तो पूरे मन तो श्री प्रभु की रात की जय गुना मिला मेरा सब अपने हाथों मनाते हो कम तो हो जाएगा हाथों मनाते हो नवा बल मतलब किदे कोलों शक्ति प्राप्त करांगे किदे कोलों हासिल करांगे किदे ते विश्वास करना समझने मैं थोड़े दिन पहले भी तुम्हें दसिया सी तुहाडी समस्या तुहाडी नहीं है तुहाडा रोग तुहाडा नहीं है तुहाडा कर्ज तुहाडा नहीं है किदा सब कुछ हो चुका क्योंकि साडे सारे काम ते साडे सारे दुख
लिखिया प्रभु ने अपनी थे उपर लैके किथे चढ़ गया फिर असी की हो गए असी की हो चुके हैं आजाद फ्री हो चुके हैं पर साडा मन बड़ा धोखेबाज है कि मन साडा बड़ा धोखेबाज है अगर धोखेबाज ना हो तो इतने बैठने ली जगह ना हो किया इस जगह ते बैठने ली जगह ना हो सच है पर मन धोखेबाज है मन कति भी कि जीवन दे लई त्यार समझने पर किन्ना क्योंकि जीवन दियां तारां कित्थों निकलदियां ने मन तो निकलदियां मन ही धोखेबाज है ते जून दियां तारां भी कित्थों निकलदियां ने मन चो निकलदियां समझदे पर मन त्यार नहीं मन क्या शरीर दुर्बल है पर आत्मा दुर्बल शरीर कमजोर है पर आत्मा नहीं कमजोर अगर तुसी आत्मा चो तो हर परिस्थिति हर मुश्किल च हर हालात विच समझदे हो जिवें आज ठंड दा मौसम है कईयां लोकां ने पता नहीं शायद सोचिया होवे समझदे हो मेरा बेटा छोटा 2 साल तो प्लस हो गया हूं 2.5 साल दे करीब होने वाला हो 2 महीने दा सी 2 महीने जनवरी दे महीने दी गल है ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਚ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 4:30 ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਨੇਰਾ 5:30 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਚਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ 8:30 ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ 1000 ਜਾਂ 2000 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 2000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਐਕਸਕਿਊਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਆ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇੱਕ ਸੈਂਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਲੋ ਚਾਹਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਿਆਂ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਟੈਪ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ 3 ਜਾਣੇ ਔਰ 2 ਕੌਣ ਆ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
असि अपनिया जिवें सुनिया ना जे तू मन लावेगा हालातां ते ते कमजोर जे तू मन लावेगा यहोवा ते ते नवां बल पावेगा। पर पता नहीं इंसान नूं इस चीज दा हमने तुहाडी खिदमत च नहीं, पर जिहड़ा जिहड़ा इंसान अपने मन नूं तैयार नहीं करेगा उस अनुसार जीण दे लई करन दे लई तुहानूं किवें पता लगेगा। समझने ना उन्हें किवें पता लगेगा कि परमेश्वर की है मेरे साथ है। समझते हैं इस करके सानू अपने मन नूं की करना, क्योंकि मन सब चीजां नालों की है। वो कल ही नहीं चाहेगा, वो बोलेगा वो अज ठंड बड़ी, अज रहन दो, अज आ काम आ जाओ, अज इस तरह आ। समझते हैं पर इंसान इंसान है, इंसान इंसान, पर जो इंसान उस परमात्मा नूं प्रेम करदा ते उहदियां विधियां ते नियमां ते चलदा है, वो कदी भी किसी गल च परमेश्वर नूं लज्जावान नहीं होंदा। बस तो ही प्रेम नाल किहदे नाल चलना और वधदे जाना, की जाना बोलो, वधदे जाना। आओ असीं कुछ टेस्टमनी सुनदे हां प्रभु दी महिमा दे लई। अज असीं कुछ टेस्टमनियां सुनांगे परमेश्वर की महिमा दे लई, और सब बड़ी चौकसी नाल बैठो। हो सकदा किसी की भी टेस्टमनी, किसी की भी गवाही किसी के जीवन नूं की कर दे, बदल दे, की दे, बदल सकदी कि नहीं बदल सकदी, बदल सकदी। सो जिन्होंने भी अपनी टेस्टमनी लिखाई एक साइट पर आ जाओ, सारी सारे साइट पर आ जाओ जिन्ना जिन्ना ने भी अपनी अस टेस्ट मनी। ठीक है जल्दी करो टाइम ना। तो ठीक है परमेश्वर जी का धन्यवाद, गुरु यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच आदर देने लई परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद, और सब नू जय मसीह दी। तो ठीक है परमेश्वर जी का धन्यवाद। प्रेरित जी इन्हों का नाम मनदीप कौर है, नंगली तो आए ने, और इन्होंने दसिया है कि इन्हों के पति इन्हों बहुत ज़्यादा एवं लड़ाई झगड़ा करते हैं, और नशा भी बहुत ज़्यादा करते, और जो कि इन्हों पति नशा करते स्मैक का और इंजैक्शन भी लगाते, और इन्हों की मैरिज में अजे 11 महीने होए से, और ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान से, और इन्होंने सत्संग इन्होंने सिर्फ 2 सत्संग अटेंड किए ने, और मैडम जी के नाल इन्होंने गल की, और इन्होंने दसिया किवें मैं अपने पेके परिवार में रह रही हूँ, और उन्होंने दसिया इन्होंने सिखाया कि जो परमेश्वर जी ते नाल ने, और तुसी विश्वास करो कि मैं जल्दी अपने घर में जा चुकी हाँ। और इन्होंने दसिया कि जो मैं संडे वाले दिन इतों गई, और उस दिन मेरे पति का जो मेरे नाल गल नहीं करते, उन्होंने मैं कॉल आई, उन्होंने मेरे नाल फोन पर गल भी की, और ये विश्वास करते हैं कि हमने अपने घर में यीशु मसीह के नाम में जल्दी जा चुके ने। इस गवाही लई परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं, आमीन। सुनो सुनो सुनो, तुम सोच के देखो, बोलो बोलो, सुन विच हर एक काम हल्का लगता प्रभु दा, सुन विच सानू हर गल हल्की लगती है, पर जिस दे जीवन दे नाल बीत रही है उन्नू पुछ के देखो, बोलो की आ, उन्नू पुछ के देखो, पर परमेश्वर की आ महान है, वो मुर्दियां नू भी जिंदा करन दी सामर्थ रखता कि नहीं रखता। पर अज समझ नहीं भैन दे उस विश्वास नाल उस समझ नाल की कर दिता, की हो गया हनेरा, हनेरा की हो गया, किवें बोल दें, असि ये शब्द नू बोल के परमेश्वर की महिमा च करांगे। इस गवाही नू दूर हो गया हनेरा, दूर हो गया,
क्योंकि प्रभु ने की किया, जो कोई भी मेरे पीछे आवेगा वो हनेरे विच किन्ने इस जीवन अपना चानन नूं लेके आया, समझ गए लेके आया कि नहीं आया, और हर एक दे जीवन च वो चानन नूं चमकाउणा चाहुंदा है, क्योंकि वो इस दुनिया च आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया। हुण उस नाम नूं असीं अपने मन दी चाहत बनाउणी है, की बनाउणी है, अपने मन दी चाहत बनाउणी है। तारीफ करांगे इस लई, जोर से मन से। सुप्रेरित जी, इन्हां दा नाम अमनदीप है, रजिंदर नगर तो आए ने। ये दसते पे ने कि इन्हों का बेटा तीसरी मंजिल तो डिग पिया, और ये दसते पे ने कि जो डिग गया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मैं जाके देखा और बेटे के मुख तो यही लफ्ज निकलिया, हालेलुया। और इन्होंने उस वेले अपने बेटे नू लिया और घर विच लैके गए, और दसते पे ने कि बेटे के मूँह के विचों खून दियाँ उल्टियाँ आ रही सीगियाँ, और नक विचों भी खून आ रहा सीगा, और ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए सी, लेकिन मेडिसिन तो ली लेकिन आराम नहीं आया। और ये दसते पे ने प्रेरित जी इन्होंने तुहानू कॉल की और तुहानू बोलिया, और प्रेरित जी दसते पे ने कि जो तुसी इन्हां लई प्रार्थना की, और कुछ रब के सेवक जो बच्चे ने उन्होंने भी प्रार्थना की इन्हां लई, और इन्हां दा बेटा उस वेले यीशु मसीह के नाम चंगा हो गया, और इस गवाही नाल यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लड़ाई झगड़ा भी करते, नशा भी करते हैं शराब का, और इन्होंने सत्संग तो भी आने तो रोकते कि तुम सत्संग से नहीं जाना, और प्रेरित जी इन्होंने तुहाडे कोलो प्रार्थना करवाई, और इन्हों के पति नशा भी नहीं करते, और सचमुच उन्होंने अज इन्हों पैसे भी दिते कि तुम सत्संग से जाओ, और इस गवाही लई परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम च। सुनो 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 सारे ध्यान, कोई भी कम साडे जीवन दा बोलो किया, ऐसा नहीं है कि प्रभु दे कोलों हो नहीं सकदा, पर कदी कदी मैं कह रहा कि साडा मन धोखेबाज है, बोलो किया, हो सकदा तुहाडे मन च ये विचार आ जाण ठीक है, अगर नहीं है तो असीं भी नहीं जाते, सानू कुछ ज्यादा थोड़ी है, क्योंकि ये गल कौन चाहुंदा है, समझ नहीं, हो सकता अगर किसी का पति इस तरह दे नाल पैसे नहीं नशा करता हुए कुछ भी, तो सकता तुहाडा मन करे मैनू ज्यादा थोड़ी है, फिर ठीक है मैं जाके करना, मैं भी तो ताडे लई जानी है, समझ नहीं, पर असीं अपनिया अपनिया रूहां मतलब उस प्राण नू बचाउणा है, अपना और होरां दा भी, होरां दे भी प्राण नू असीं की करना, होरां दीआं भी रूहां नू बचाउणा है, और वो कादे नाल बचाईयां जाणगीआं साडे विश्वास ते ईमान नाल, अगर तुसी अपना विश्वास ते ईमान खोता की करता तो आशीष भी जांदी रहेगी, पर तुसी अपने विश्वास च अपने ईमान च दृढ़ रहे बने रहे तो हर चीज तुहाडे नाल होएगी, हर चीज तुहाडे नाल होएगी, देखना तुसी इस सच है, क्योंकि असीं किहदे उपर विश्वास करदे हां, तारीफ करांगे इस गवाही। तो प्रेरित जी इन्हां दा नाम कुलविंदर कौर है, अमृतसर तो आए ने,
दसते पे ने कि इन्हों की मम्मी जो ठीक नहीं सीगे उन्होंने बहुत ज़्यादा शूगर सीगी और लूज मोशन सीगे और दसते पे ने कि पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और कुछ भी खा नहीं रहे सी और दसते पे ने कि प्रेरित जी जो थोड़े मुख तो हीलिंग हुई हैं कि जिन्हों के रिश्तेदार ठीक नहीं है वो यीशु मसीह के नाम चा चंगे हो रहे हैं तो इन्होंने तुरंत विश्वास किया और रिसीव किया और ये दसते पे ने जो घर गए तो इन्हों खुशखबरी मिली कि जो इन्हों की मम्मी ने बिल्कुल वधिया हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। वल्ले तो आए ने और इन्होंने दसिया कि 8-9 साल तो इन्हों के लक रसौली सी और सचमुच इन्होंने उस वास्ते कोई मेडिसन नहीं खाधी और ना कोई ट्रीटमेंट ही कराया वा ये परमेश्वर विच बने रहे और तुहाडे मुख तो प्रेरित जी हीलिंग्स हो रही सी कि जिन्हों के गिल्टियां रसौलियां ने उन्हों तो परमेश्वर तुहानू आजाद कर चुके ने तो इन्होंने रिसीव किया और एक महीने बाद इन्होंने चैक किया अपने लक नू। किस जगह ते रसौली किन्नी वड्डी सी इतिफाक नाल सोच नाल भी कदी इस तरह हुंदा या बोलो हुंदा या क्योंकि रसौली बिना चीर फाड़ चेक करो गुड़िया देखो चंगी तरह नहीं उसने देखो तारीफ करें दिल से परमेश्वर सुनो सुनो परमेश्वर बहुत महान है बोलो कि ने साड़ी समस्या ओदे लिए कोई भी वड्डी साड़ा दुख ओदे लिए कोई भी वड्डा पर अपना अपना मन अपना अपना ईमान है अपना अपना विश्वास बोलो किया अपना अपना ईमान है अपना अपना विश्वास समझने और जाएगी और ये थोड़े दिन पहला ही क्योंकि कदी कदी कुछ चीजा पिछले दिन ही बहुत सारिया चीजा जो पिछले दिन ही असि क्योंकि लिखिया परमेश्वर का आत्मा गूढ़ गल्ला भी जानदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਟੀਮ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कूड़ गल्ला जानता पिछले दिन ही एक दिन में खास करके परमेश्वर का आत्मा दस रहा सी कि जिन्हों गिल्टी ते रसौली है बोलो की है हो सकता एक जना भी है दो भी है चार भी है छे भी है सब दे लिए है जिवें प्रभु ने दस कोड़ी आए कि आए उहदे कोल दस कोड़ी आए तूने सिर्फ क्या अपने आप नूं जाजकां नूं दिखाओ किनू दिखाओ जाके ते लिखिया दस दे दसे प्रभु दी गल नूं सुन के ते चले गए पर जब रस्ते से जा रहे सी एक वापस आया कि आया और आके प्रणाम किया क्योंकि वो की हो गया चंगा हो गया प्रभु ने कहा कि दसों तुसी चंगे नहीं होए इक्को ही होया दसो चंगे मतलब दसा एक चंगा आया ते नौ नहीं हुई क्योंकि उन्होंने शायद प्रभु की गल उस मन नाल नहीं लिया जिवें अज भी कई उस मन नाल नहीं लेंदे पर जिहड़े रिसीव करदे ने लेंदे ने उन्हां दे लई है बोलो उन्हां दे लई है इसलिए परमेश्वर महान है और वह सब गल्लां जानदे ने समझदे कि नहीं समझदे बस हर समय असीं अपना मन तैयार करना की करना और किहदियां गल्लां नूं समझना इह छोटी गल नहीं है छोटी गल सी एक बारी जोर नाल ताल
तो प्रेरित जी इन्हों का नाम पूजा है, शीतला मंदिर तो आए ने। ये दसते पे ने कि इन्हों तीन दिनों तो बहुत ज़्यादा दौरे पै रहे थे और ये दसते पे ने कि इन्हों के मूँह के आपे ही इन्हों को इस तरह दंदियां वड्डियां जा रही सीगियां, बहुत सारा दुष्ट आत्मा ने इन्हों मतलब के खराब कर रहा है और ये दसते पे ने कि प्रेरित जी थानू इन्ह ने कॉल की और तुसी इन्हों लई प्रार्थना की और ये दसते पे ने कि जो प्रार्थना करके तुसी हटे और दसते पे ने कि उस वेले यीशु मसीह के नाम चंगे हो गए और ये दसते पे ने कि उस दिन तो बिल्कुल वधिया ने और इस गवाही के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक सेकंड बड़ा धन्यवाद है क्योंकि बच्चों इन्होंने इन्हों जिमें गवाई मतलब जिमें इन्होंने अपनी टेस्टमोनी लिखानी उन्होंने तो उदा देनी है, पर मैं दसदा हाँ क्योंकि सच जरूर सानू पूरी रीति नाल समझना चाहिए। मैनू याद नहीं है कि मैं चंगियाई की आ, पर मैं इन्ना याद आ कि मैं कि चीज इन्हों सिखाई सी है ना। इन्हों सिखाया कि देखो अगर तुसी शरीर ते मन लाओगे ते हालात वधेगा, पर अगर तुसी परमेश्वर नाल बनोगे और ये विश्वास करोगे मंगोगे है ना, प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल कि तुसी अज प्रार्थना करके धन्यवाद करके सौंजो और बोलना कि प्रभु जो मैं सवेरे उठा मैं दे मम्मा नू बोलिया इस बेटी दे नू कि जो तुसी इस तरह मतलब बोलना कि जो सवेरे उठा ते सब कुछ मैं नॉर्मल वेखा, मैनू नहीं पता कि मूँह दे विच जो भी दुष्ट आत्मा ने अपने आप दे दुष्ट आत्मा दा दौरे दा प्रभाव पैंदा ते दे मूँह च अपने आप जीव दे उत्ते दंदियां वड्डियां दा मूँह लगो लवान हो जांदा सारा इहदा दुष्ट आत्मा कैसे कैसे कम करती समझ नहीं। पर इहदी मम्मा नूं मैं सिखाया कि तुसी ए वाला विश्वास करके अज प्रार्थना करके धन्नवाद करके सोवो कि जो सवेरे जो उठो ते कोई हालात ना होवे कोई भी मूँह च शब्द कोई भी मूँह च कोई जख्म ना होवे जरा जन्म नहीं होएगा जे तुसी उस विश्वास नाल सोवोगे, क्योंकि मेरा खुद दा ए प्रैक्टिकल है, मेरा किया है खुद दा प्रैक्टिकल है और मैं इस तरह इन्हां नूं सिखाया सी। की सिखाया सी? क्योंकि सच है तुसी जो चाहोगे जो मंगोगे प्रभु ने कहा उही उन्हें चेलियां नूं सिखाया, अगर पहाड़ नूं भी कहो इत्थों उखड़ ते समुंदर विच जा पै, पर अपने मन विच की ना करियो तो की होएगा। कदी कह के वेखियो उस अनुसार, कदी मंग के वेखियो देखियो हुंदा के नहीं हुंदा, पर होएगा की होएगा कि साडे प्रभु दे कोलों सब कुछ होएगा। तारीफ करेंगे इस गल योर्स तो प्रेरित जी इन्हों पहले के वेर के तो आए ने और इन्होंने दस्या है कि जो इन्होंने दसवीं क्लास के सैकेंड टर्म के एग्जाम होने से तो जिस दिन स्कूल इन्होंने डेट शीट लिखवाई गई से स्कूल नहीं से गए तो इन्हों मैसेज मिलया कि नैक्सट डे इन्हों एग्जाम शुरू ने। तो प्रेरित जी इन्होंने तेरे को प्रे करवाई कि मेरे एग्जाम स्टार्ट ने तो द्वारा परमेश्वर जी ने इन्होंने इस वचन के द्वारा सिखाया कि यहोवा का मतलब तुम जानते हो कि बन जाएगा तो तेरे आंसर जोड़े आ यहोवा बन जाएंगे। तो इस चीज़ ने इन्होंने रिसीव किया और प्रार्थना की कि परमेश्वर जी सचमुच मेरे जो पेपर आ बहुत वधिया हो चुके ने। तो जो इन्हों के पेपर स्टार्ट से तो जो मैथ का पेपर से ये कहते कि मैनू बिल्कुल भी नहीं सी आता, जिन्ने क्वेश्चन आते उन्होंने आंसर फिल करके आ गए सी। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो परमेश्वर जी ने इन्हों सैकेंड पोजिशन से लैके आता, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने दसिया कि जिस दिन न्यूज़र वाले दिन अवे प्रे चल रही सी तो इन्होंने इस जगह पर आना सी तो इन्होंने पापा ने कहा सी कि अज तो बाद तुसी किसी भी सत्संग से नहीं जाना, तो इन्होंने परमेश्वर जी से प्रार्थना करके रख दिता। तो अज पर इन्हों पापा ने इन्हों आने वास्ते इतने सत्संग से मैं पैसे भी दिते और उन्होंने भेजे, इस गल परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते यीशु के नाम च। सुप्रेर जी
इन्हों का नाम बलजीत जी है, ये रब के सेवक ने और ये दसते पे ने कि इन्हों का जो पोतरा सीगा इतने छत के उपर खेल रहे थे और अचानक बच्चे दे इस तरह धक्का मारिया और दसते पे ने कि छत के उपरों जो पौड़िया के डिगे तो रिड़ते ही आए और दसिया कि कोई भी सट नहीं लगी। परमेश्वर ने उन्होंने अपने हाथों में संभाल के रखिया और ये दसते पे ने कि जो थले आ रहे थे तो तीसरे चौथे स्टैप ते आए तो इस तरह होया कि जिवें किसी ने फड़ के उन्होंने बैठाया, बड़ी वधिया तरीके ना बैठ गए और दसते पे ने कि कोई भी सट नहीं लगी और इस गवाही लई ये यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बलविंदर कौरे सोईया तो आए ने और इन्होंने दस्या है कि इन्हों की नौ जी ठीक नहीं सी, उन्होंने बुखार से और बहुत ज़्यादा में सिर दर्द हो रही थी तो पर इन्हों पता नहीं सी क्योंकि मतलब अपने काम करने वास्ते घरों गए सी और उस जगह पर इन्होंने इवें महसूस हो रहा कि इन्हों के घर में एवं कोई जिमें ठीक नहीं है तो इन्हों आवाज़ आ रही थी इन्हों भी कि तुहाडे घर में तुहाडी नौ ठीक नहीं तुसीं जाओ। तो उस समय इन्हों का बेटा इन्हों लैन वास्ते आ गया कि घर जाओ तुहाडी मतलब नौ ठीक नहीं आ और कहते कि जो मैं अपने घर में आई आई तो मेरी नौ रोन रही सी बहुत ज़्यादा वो सिर दर्द हो रही थी और बुखार भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज सी तो इन्होंने उन्होंने प्रे की और यीशु मसीह के नाम उस समय परमेश्वर जी ने उन्होंने चंगा कर दिता और इन्हों की फैमिली में भी बहुत विश्वास है कि सत्संग से जाते हैं तो जो भी किसी से प्रार्थना करते तो साड़ी फैमिली सही हो जाती है तो इन्हों की फैमिली ने इन्हें बहुत ज़्यादा में विश्वास है कि परमेश्वर च बने ने और इस गवाही लई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम च। तो प्रेरित जी इन्हों का नाम जसबीर है, भुस्सिया तो आए ने ये दसते पे ने कि जो कुछ दिन पहले ही वोटा पै रही सीगियाँ और ये दसते पे ने कि इन्होंने जिन्होंने वोटा पाइया और इन्होंने परमेश्वर अगे प्रार्थना की कि परमेश्वर जिन्होंने असी वोटा पाइया यीशु के नाम से तुम इन्हों जिता चुके जे और ये दसते पे ने कि जो शामा गिनती हुई और जो इन्होंने जिन्होंने वोटा पाइया वो सरपंच भी जित गया और सारे मैंबर भी उन्होंने जित गए और इस गवाही के नाल ही यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये दस रहे ने कि असी अपने सरपंच नूं कित्थे लैके आउणा इस सत्संग च वी क्योंकि उन्हूं किन्नी जित दित्ती है और तुहानूं पता इस सत्संग च कम से कम दो बंदे जो सगा ते अपने कोल आंदे आ दो बंदे सरपंच बन गए आ एक मैंबर बन गया ने उन्हां दी पत्नी बैठे ने एक और नहीं उन्होंने मैं अजे तक कुछ दसिया नहीं है पर सच है बोलो की आ कि प्रभु ते विश्वास करने वाले कदी भी लज्जावान नहीं होने गए। ओके जी परमेश्वर तुम बरकत दे बहुत सर अच्छा जी ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਨਵੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਸ ਗਵਾਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो
गुरप्रेर जी इन्हों का नाम प्रवीण है पिंड मखनी डी तो आए हैं। ये दसते पे ने कि जो भजन बोलते इन्हों सह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी सी और इन्होंने परमेश्वर अगर प्रार्थना की और जो परमेश्वर जी थोड़े मुख तो वचन आता उन्होंने भी रिसीव किया और ये दसते पे ने कि मैं काफ़ी दिनों तो बिल्कुल वधिया हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम च। तो प्रेर जी इन्हों का नाम राणी है रजिंदर नगर तो आए हैं। ये दसते पे ने कि इन्हों जो बेटा वो लत्तों के उपर गाढ़ हो गए सके और ये दसते पे ने कि इन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्होंने बिल्कुल वधिया किया। तुरन फिरन भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन जो तो प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बिल्कुल वधिया कर दिता और ये दसते पे ने कि इन्होंने एक कमेटी भी पाई सी जो चुकना चाहते सी जदों जाते चुकी नहीं जाती सी और ये प्रार्थना करके गए और परमेश्वर ने वह भी इन्होंने चुकवा दी यीशु के सामर्थ्य के नाम। तो प्रेरित जी इन्हों का नाम राजवीर गौरे मल्ले तो आए ने। इन्होंने दस्या वा कि शुक्रवार रात इन्हों दुष्ट आत्मा ने इवें जकड़ लिया और इन्होंने सारे शरीर में बहुत ज्यादा इवें दर्द होने लग पी और इन्होंने उस समय बैठ के रात प्रे की और सचमुच प्रार्थना की और कि परमेश्वर जी हालात कंडीशन मेरे लिए नहीं आ। उस समय परमेश्वर ने इन्हों चंगा कर दिता यीशु मसीह के नाम च। सुनो सुनो सारे सुनो सारे सब शांति नाल ठीक है इतना टाइम नहीं है जल्दी सुनो एक चीज जिन्हें भी अपनी टेस्टमनी लिखानी गवाही जदों बच्चे लिखते उस समय लिखाओ बाद च डिस्टर्बिंग होती है ठीक है आगे तो बाद काम तो और भी प्रभु ने किए ने मैं जानता हाँ इस जगह ते शायद पता नहीं आए कि नहीं हो इत सोइया तो शायद आए आंटी कितने आंटी ने बुलाओ तुम बुलाओ वो कितने गए ने सोइया तो इत्थो पिंड तो जिन्ना जिन्ना नु परसों बहुत तकलीफ सी और बैठे ने ठीक है थोड़ा बच्चा कितने है तुसी नहीं प्रभु की महिमा करना चाहते हाँ खड़े रहो उत्थे रहो खड़े रहो कोई गल जा आ जाओ थोड़ा पता लग जाए अगे आओ थोड़ा लिखो पुछो ना तर कोई नहीं फिर सुनो क्योंकि इसे पिंड दी सिस्टर या भैन आ सारा पिंड ये पूरा पिंड सब की दे लोग है पर जान दे कि नहीं कर दे जान दे ये भी नहीं जान दे क्योंकि लोग यीशु मसीह नु की समझ दे नहीं समझ दे कि नहीं समझ दे सारे ध्यान करो यीशु मसीह नु लोग की समझ दे और ये भी जान दे नहीं सी परसों की गल है ये पेट च इन्नी दर्द हो रही सी इहदी गलबात तो मैनूं एवें लगदा जिदा इहदा हुणे प्राण निकल जाना है कि निकल जाना प्राण मतलब दी जान निकल जानी है मैं सच्ची तुहानूं कह रहा की लगदे आ तुहाडे दराणी आ तुहाडी इहनां दी जठाणी बैठी उत्ते उहनां ने कॉल कीती जदों विश्वास तो नहीं करते पहली बारी इस जगह ते अज आए हैं मैं सच्ची तुहानू कह रहा जदों जदों ये बच सुनो सुनो सर अपनी टेस्टमनी पिछे जाके लिखो तो इन्नी दर्द इन्हां दे पेट च हो रही है इन्हां दी आवाज नहीं निकल रही आवाज
पता नहीं परमेश्वर जानता मैं इन्हां इन्हां दी जठाणी नूं पुछया मैनू पता नहीं है भी मतलब मैरिड या अनमैरिड या मैं पुछया मैरिड या कि अनमैरिड या मतलब समझदे ना मैरिड अनमैरिड दा व्याहे जा नहीं तो किन्ने नहीं नहीं सर जी व्याहे ना दा बच्चा भी एक बेटा आ मैं किन्ने किन्ने समय दा कहिंदे 2 साल दा हां तो छोटा बेटा भी इन्हां दा पता नहीं प्रभु ने मेरे मन च की एवें लगाया चंगियाई तो दित्ती पर जदों ना छोटा बेटा मैनू इस तरह कहा पता नहीं परमेश्वर दे आत्मा ने मैनू कहा मैं इन्हां दी जठानी नूं बोलिया कि इधर जाओ और आंटी नूं बुला के ते अपने घर लैके जाओ क्योंकि कदी कदी कुछ चीजां फोन ते ते कोई चीजां सामने बहुत फर्क हुंदा है ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ज्यादा मजेदार है क्योंकि सब कुछ थोड़े इस जगह ते की है सामने इसलिए लाइव दे विच मैं उन्होंने भेजा कि जाओ जाके है ना उन्होंने बुला के लेके जाओ मैं सच्ची कह रहा हूं कि अगर मेरे मन च कोई होया क्योंकि हल्की जी दर्द हुंदी ते संसार च बड़ा कुछ हुंदा मतलब समझ रहे हो मेरी गल दा समझ रहे हो हल्की जी दर्द हुंदी संसार विच की हुंदा आ बड़ा कुछ हुंदा कुछ भी हो सकता समझ रहे हो ना छोटा बच्चा या की बनेगा उस घर विच समझ नहीं रहे गल नु छोटा बच्चा या 2 साल दा पर धन्यवाद है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा क्योंकि दी आवाज तो मेनू कदों ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਉੱਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ और कुछ भी हो सकता है की हो सकता है समझ नहीं पर होने तो बाद की हुंदा या वो गल किस पा तुलदी या वो इंसान जानदे या पर चंगे हो जान तो बाद इंसान नू उदी किन्नी तारीफ ते वड्याई करनी चाहुंदी आ क्योंकि उसे रात प्रभु ने इहनू की कर दिता तो किन्नी ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਤੁੰਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ये दसते पे ने कि इन्हों का पति जो स्मैक का नशा करता सीगा और दसते पे ने कि इन्हों बहुत ज़्यादा कुटता सीगा मारता सीगा सारे घर दे चीज़ां भी तोड़ता सीगा और इन्हों बोलता सीगा कि चलो मेरे नाल और मैनू व्याजी पैसे लैके दो मैं नशा करना वा इस तरह और ये दसते पे ने कि प्रेर जी जो तुहाडे मुख तो हीलिंग हुई कि जिन्हों के पति नशा करते ने जिन्हों के घर में कोई नशा करने वाला आ यीशु के नाम चा जो चंगे हो रहे हैं तो ये दसते पे ने कि तुरंत इन्होंने विश्वास किया और रिसीव किया और ये दसते पे ने कि जो पति इन्हों मारते सीगे अज इन्हों बहुत सारा प्रेम कर रहे हैं और जो हम काम से भी जा रहे हैं और काम तो जो पैसे कमा के लिया वो भी इन्हों देने यीशु के नाम च और इस गवाही के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बड़ी दुखी है बहुत ज्यादा हूँ उदन का जिदन की मैं तेना हफ्ते नहीं उदन की ठीक है हम मैं कल 150 रुपया लिया के दिता किन्ने चिर तो आए कोई पैसा नहीं मेरे को मांगता हूँ उदन कितना टाइम हो गया तुम आने तीन हफ्ते हो गए मैं आई और तीन हफ्ते तो पहला जीवन कैसा था
ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤ ਰਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਚੋਖਾ ਕੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਰਸ ਯੋਰਸ ਦਿਲ ਸੇ परमेश्वर अपने कार्य अपने कम्मां नूं प्रगट करदे रहणगे उह करदे रहणगे जद तक तुहाडे कोल जीवन आ उह अपने कम तुहाडे नाल उह कदी वी ना अकदा ते ना थकदा पर असीं अक जांदे आ थक जांदे आ साडा मन कदों कह सकदा आ उह चल कोई गल नहीं आ कल गए सी हो सकता है बच्चे जेडे टीम वाले ने है ना ये जो जानते ने हो सकता तुहाडा मन कवे कोई नहीं कल आए सी अजे की करना समझ नहीं कल अजे तो कल सुन सुने आप रोटी रोज खाने है ना रोटी रोज खाने है ना तो प्रभु ने की किया रोटी नालों ज्यादा जरूरी की जिन्ना खाओगे उन्ने तगड़े समझ नहीं दाऊद एक छोटा बच्चा सी उस शेर दे मूंचों जड़ा भेडां चारदा सी वह बच्चा जदों लै जांदा सी चुके उहदे मूंचों ऐ करके बाड़ के मूंह ते बच्चे नूं फिर बाहर कढ लिआउंदा सी क्योंकि उहदे अंदर कीदा बल काम करदा सी क्योंकि दाऊद कीदे ते विश्वास करदा सी और वह बल वह शक्ति हर एक विश्वास करने वाले दे नाल कम करती ठीक है ना इसलिए अपने मन नु तैयार करना और कीदा वचन खांदे रहना है और हर वेले किन्नु याद करना शैतान अपनियां बहुत सारियां जुक्तियां साडे जीवन च खेडदा है और उन्नु फसाउंदा है समझदे कि नहीं समझदे वो बहुत सारियां अपनियां जुक्तियां ਲੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਉਸ ਦੁੱਖ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਖੂਬ ਜੀਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਸੁਸਤ ਰਹੋ ਕੀ ਰਹੋ ਸੁਸਤ ਰਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
तो ठीक है परमेश्वर जी का धन्यवाद महान गुरु यीशु मसीह के नाम के इस भजन के लिए। जेड़ा चलदा है रूह अनुसार पर खर्च नहीं पैंदा,
ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ
परमेश्वर हमेशा सानू उत्साह अपना देंदे रहेंगे। असी जे लैन वाले बनिए, बोलो कि बनिए, अगर असी जो प्रभु ने आके संसार दे लोकां नू कहा सच नू जानो ते सच की करेगा, क्योंकि सच दे विच बहुत सारे लाभ ने। कि नहीं, उस सच दे विच बहुत सारे लाभ ने, पर वो लाभ इंसान अपने जीवन च प्राप्त, हर बंदा उस लाभ नू प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस सच्चाई दे अंदर बहुत सारे लाभ ने, पर हर एक बंदा उस लाभ नू प्राप्त नहीं कर पा रहा। जिवें प्रभु ने कहा कि सच्चाई नू जानो, सच्चाई की है तुहानू आजाद कर दी, और वो सच की है समझदे हां। जे मैं पहला भी तुहानू समझाया कि यीशु क्यों क्रूस ते मरिया, ओहदे मरे जाण तो और ओहदे मुर्दियां चों जी उठण तो बाद हर एक विश्वास करने वाले दे लई उहदा जीवन किहो जिहा हो जांदा उहनूं मालूम करना पैणा, पता करना पैणा। की करना पैणा? उहनूं उहनूं पता करना पएगा इस गल दा, क्योंकि अगर वो पता नहीं लगाएगा उस गल दा तो उस जीवन नूं जिहदे लई प्रभु ने इन्ना दुख उठाया उहनूं प्राप्त नहीं कर पाएगा, उहनूं उस जीवन नूं प्रगट नहीं कर पाएगा। समझदे हां? वो हर दिन सोचेगा, पर जो उस गल नूं समझ गया कि यीशु क्यों मर के तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया, और दे जी उठण तो बाद मैं जो उहदे ते विश्वास कर रही हां मेरे नाल, समझदे हो, मेरे नाल ओ प्रभु किवें गल करदा है, मैनूं की आखदा है, समझदे ना। जे मैं क्या पहाड़ नूं भी कहो उखड़ ते समुंदर च जा पे, पर जे समझ नहीं आ तो असी सोचांगे की करांगे। अगर समझ आ गई, क्या आ गई? समझ आ गई, क्योंकि इंसान परतावे च दुख च कदों पैंदा आ जो दी अपनी अभिलाषा दे विच जींदा आ। कदों? वरन प्रभु किसी नूं भी परतावे च हालात च नहीं पाउंदे। समझदे हां? जिवें प्रभु ने एक असी वचन चो अज देखांगे मत्ती 13 किवें है ना, मतलब उन्हां नूं भी उस जीवन दी, इजरायली लोकां नूं भी उस जीवन दी समझ नहीं आई। असीं पढ़ांगे 13 दा उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। उनके विषय में यशाया की एक भविष्यवाणी की थी पहला तो ही, समझने कि भविष्यवाणी की थी प्रभु दी। यशाया नबी ने यीशु दे बारे बहुत साल पहला ही, समझदे हैं, आज 2000 साल हो गए ने इस दुनिया दे उपर, इस पृथ्वी दे उत्ते प्रभु नूं आया नूं, पर यशाया नबी ने उस तो कई समा पहला किदे बारे भविष्यवाणी कीती? साडे मुक्ति दाता यीशु दे बारे। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें ना सूझे, मतलब तनु सोची नहीं आई। वेखदे होए भी कई लोग, सुनदे होए ते वेखदे होए भी किदियां गल्लां नूं समझ नहीं पाउंदे, क्योंकि अज कुछ भी छिपिया नहीं, कुछ भी लुकिया, सब कुछ तुहाडे सामने। बोलो की आ, अगर प्रभु किसी दी रसौली, किसी दी गिल्टी, किसी दी पत्थरी, समझने किसी दे नाल कैसा भी कर रही है, अपने कम्मां नूं प्रगट कर रहा, तो साडे विचकार आ, पर सुनदे होए और वेखदे होए भी समझदे नहीं आ। अगर किसी दा पति नशा कर रहा, किसी दे घर च कलेश आ, किसी दा कर्जा आ, तो किहदे ते विश्वास करन नाल सारा कुछ हो रहा सही?
समझ पर जे सुनते हुए वेखते हुए भी कई सुनते हुए समझन गए नहीं तो वेखते हुए भी सोची नहीं आएगी कि नहीं आएगी और अगे क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा समझे मोटा मतलब भारी हो गया सुनते हुए भी देखते हुए भी समझते नहीं समझ रहे कौन समझ रहे पर सब कुछ किया तुहाडे सामने पर तुसी इस गल लई अपने मन नूं की करना है त्यार करना है और अगे बढ़ना कहीं ऐसा ना हो के वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। क्योंकि इन लोगों का मन कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखों मूंदी कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखते और कानों से सुनते हुए मन में अगर वो समझन ते अपने मन नु फिराउन की करन अपने मन नु उफराउन ते की क्या मैं उन्हां नु की करांगा चंगा करांगा। क्योंकि जेड़ा इंसान जदों अपने मन नु की दे लई तैयार कर देगा क्योंकि प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर दा राज की है नेड़े है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर दा राज नेड़े है वो बहुत निकट है वो किसी तो भी दूर नहीं है समझ नहीं तुसी जदों भी पुकारोगे वो की कहेगा तुम उत्तर देवेगा और आगे पढ़ो पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। देखो देखो है ना पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती तो सुन दी समझ रहे कि नहीं गल प्रभु ने क्यों इस तरह बोली समझे क्योंकि आज भी इंसान वो वेखदा या सुनदा या पर चलदा नहीं उस अनुसार अपने जीवन तो किदी इच्छा नू प्रगट नहीं करदा किदी महिमा अपने तो अपने जीवन तो प्रगट नहीं करदा क्योंकि वेखदा उन्हें क्या तानिया समझते हैं वो अखियां ते वो कान जड़े गल्लां नू सुन दे समझे क्योंकि आज तो 2000 साल पहला जब प्रभु इस पृथ्वी दे ऊपर आया समझ नहीं उन्होंने वेख के भी विश्वास सारे कम्मां नू करदे होए भी लोकां दे जीवनां चों अधरंगी चंगा दा सी अन्ना वेखदा सी कईआं लोकां ने उन्हूं कहा ये तो बाल जबूल ये तो किसे दुष्ट आत्मा दी सहायता नाल ये लोकां नू चंगा करदा की करदा या दुष्ट आत्मा दी सहायता नाल चंगा करदा समझदे पर प्रभु ने उन्हां नू सिखाया अगर घर नू बनाउण वाला ही अपने घर नू ढाए ते ओदी सांझ किवें है ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਰਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡਦੇ ਕਿੰਨੀ ਛੱਡਦੇ अपनी आदत तो नहीं बदलते अपने पुराने जीवन की जी पहला सुभाव सी साड़ी जी पहला आदत सी अगर असी नहीं छड़ रहे तो अज भी असी पाप विच अगर अज भी सानू गुस्सा आउंदा है कि आंदा है अज भी सानू गुस्सा आउंदा है किसी भी गल च असी छोटी छोटी गल च साडा मन सानू निराश निराशा दौंदा है जां इत्थों हो सकदा है इस जगह तो भी कई वारी इत्थे बच्चे खड़े हुंदे ने
ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ ਉਸੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੌਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੂਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਆ ਚਾਹਤ ਆ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਅਗਰ ਮੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬੂਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਮਰੂਦ ਬੂਟਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਫਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਲ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਸੇਬ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੇੜ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਓਗੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਾਲਸਾ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ 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 ਛੱਡੋ ਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
पता नहीं थोड़े दिन पहला ही मैंने कोई दस रहा कि हाँ ये भी दस रहे थे कि मेरी बेटी नू एक भी गल समझ नहीं आती, पर प्रभु ने कहा मंगो कहते और बाणी च लिखा जिन्हों पहला बुद्ध का काटा हो पहला मेरे को ओ मंगे पहला मैं ओ देवांगा ताकि तुहानू समझ आवे ते तुसी किहदे कोल जाओ मंगो। बड़ा ही आसान है जीवन, बड़ा सरल है। अगर मन लो समझ नहीं आ रही तो किन्नू बोलो। एक दिन मैं भी नहीं से जानता इस सच्चाई नू, मैनू किसी भी गल का पता नहीं, मैं भी किहदे कोल मंगना शुरू किया और मैनू भी उन्हें दिता और हर एक नू देने लई जीवन तैयार है। समझ नहीं, पर अगर तुसी अपने मन नू खोलोगे नहीं, मंगोगे नहीं, समझ नहीं, खाली सुनी जा रहे हो, सुनी जा रहे हो, की करी जा रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो की रिजल्ट आए? खाली सुनी जा रहे हो पर कर नहीं रहे। सुन तो बाद भी तुहानू बहुत वारी दस्या कि है ना परमेश्वर नू अपने जीवन का पहला स्थान देने का मतलब की, समझे कि नहीं समझे? अपने जीवन का पहला स्थान देना परमात्मा नू दा की मतलब है? और जेड़ा इंसान अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर नू देंदा है, बोलो उन्हें पिछे ठहराएगा? उन्हें की किया प्रभु ने? उन्हें मैं की ठहरावांगा? सिर, सिर दा मतबल, क्योंकि सिर उच्चा होगा, मैं उन्हें बहुत उच्चा करांगा। और कदों करांगा? जदों मेरिया सारिया आज्ञावां नू चित ला के ते चौकसी नाल की करदा रहेगा? पूरियां पूरियां करदा रहेगा। समझदे हो? तुसी जरूरी नहीं है इस संगति तो बाद भी तुसी अपने मन नू किहदे नाल रखना है? जिवें दाऊद ने क्या धन ने उह लोक जिहड़े परमेश्वर दी व्यवस्था दे विच रात दिन की ने मगन ने, क्योंकि वह किहदियां गल्लां सुन के मगन ने? क्योंकि अगर मान लो इधरों सुनिया तो इधरों निकल गईयां के गईयां इहदे विषय एक प्रभु ने उदाहरण भी दित्ती सी ना इस वचन दे उपर बीज दी कि बीज बोन वाला निकलिया, कुछ बीज कित्थे डिग गया? पहे दे उपर, कुछ पथरीली भूमि च, कुछ झाड़ियां। तो समझदे हो ना सारे इस वचन दा दृष्टांत इहदा मतलब? पहे वाला तो वह जिहदे अंदर ही नहीं गया, जिहदे अंदर बारो बार ही शैतान की कर गया, क्योंकि उहनूं नींद आ रही है। की आ रही है? जिन्हों नींद आवे वो अपनी जगह ते खड़ा होके किदी आवाज नू सुने और उसे समय अपने तुहाडे कोल अधिकार आ, उन्हों डांटो उस चीज नू, उस आलस नू, उस सुस्ती नू, बोलो कि तेरा कोई अधिकार नहीं है। अपने मन नू किदे किदा वचन सुन ले तैयार करो, डांटो तुहाडे कोल अधिकार आ, बोलो की आए अधिकार आ तुहाडे कोल। पर जे उस अनुसार नहीं करेगा तो किवें उस जीवन नू प्रकट करेगा? समझ गया? अगर वो करेगा नहीं इस अनुसार तो किवें उहदे जीवन तो जीवन प्रकट होवेगा? वो अपने आप तो किन्नू नहीं प्रकट कर सकता, उस परमेश्वर नू प्रकट नहीं कर सकता। पर वो सुन रहा तो सुन तो बाद भी इस जगह तो जान तो बाद भी वो सारियां गल्लां नू अपने मन विच रखेगा, जिवें दाऊद ने कहा ना कि धन हा मनुख जड़े उहदी व्यवस्था दे विच रात दिन किया मगन, ते दुष्टां दी मत ते उत्ते चलदे। समझदे? दुष्टां दी मत की हुंदी है? समझदे ना उह किन्नियां गल्लां समझदे ने? समझदे? जदों तुसीं तुहाडा जीवन रात दिन प्रभु विच तुसीं मगन रहोगे उहदियां गल्लां च रहेगा, क्योंकि संगति अगर तुहाडी संगति समझदे आ जिवें साडी संगति किहदे नाल आ? प्रभु दे नाल। क्योंकि जिवें दी संगति होएगा तुहाडे जीवन च उवें दा आएगा। अगर तुसीं बुरी संगति करोगे उहदा प्रभाव भी की होएगा? अगर तुसीं जिवें इस दुनिया दे अंदर हो सकदा कई स्त्रियां भी बुराई करदियां ने, अगर तुसीं उन्हां दे विच जाओगे तो नैचुरली तुहाडा सुभाव भी की हो जाएगा? उवें दा हो जाएगा। की हो जाएगा? अगर वो आलतू फालतू गल्लां करदे ने ते तुसी उन्हां च रोज रोज जांदे हो तो तुसी भी उदां दे हो जाओगे। पर अगर किदे लोकां च बने रहिंदे हो, क्यों परमेश्वर ने कहा कि इकट्ठा होना ना छड्डो? क्योंकि विश्वास आउंदा कित्थों आ? साडे अंदर सुन नाल।
ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਆ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਸ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਰਾਂ ਦੇ ਟੇਰ ਵਚਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਬਹਿ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਆ ਪਿਆਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਉੱਠ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਪਾਣਗੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਪਾਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਧਨ ਦੌਲਤ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 2000 ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਨਾ ਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੁਕਾਤ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਤੂੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਜਪਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆ ਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਆਉਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਏਲੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਯੋਗ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਆ ਚਿੰਤਾ ਆ ਖੌਫ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਖੌਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਲਸੀਓ 2:6 ਕੁਲਸੀਆਂ 32:2-6 ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨੀ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਰਿੰਥੀਅਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ 12:1 ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਰਹੋ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ ਕੀ ਨਾ ਰਹੋ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ
जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, जैसे तुम सिखाए गए। तो की सिखाए गए? एक दिन जिस दिन तुसी आए तो तुही की विश्वास कीता कि यीशु मेरा गुरु ते प्रभु है जिन्हें मेरे जीवन दे पाप लिए अपना बलिदान दिता। ते तुसी एक दिन इस गल नू सिखिया और समझिया तो की कीता? परमेश्वर ने की कीता तोडे नाल? की कीता सी? एक दिन तुसी आए सी, किन्ने समय की बीमारी तो तुम चंगा करता है? 18 साल की बीमारी तो सिर्फ किन्नू जानने तो बाद किन्नू सुन किद, क्योंकि यीशु एक ए वचन है, एक लिखित वचन है। यीशु भी एक वचन है, उन्होंने बोलते लोगो। की बोलते ने? यीशु केड़ा वचन है? लोगो वचन। केड़ा वचन? क्योंकि ये जड़ा वचन असं पढ़ रहे ये भी वचन है और यीशु भी एक वचन है जड़ा असं सुने हैं। उन्हें बोलते लोगो वचन, क्योंकि एक शब्द की होया दे तारी होया। शब्द की होया क्योंकि एक स्वर्गदूत ने है ना की आके आख्या एक मरियम मरियम एक नाम दी औरत क्या आनंद ते जय तेरी हो क्योंकि उस परमेश्वर की कृपा तेरी। एक शब्द बोलिया की बोलिया और कौन इस दुनिया च आया समझ नहीं। एक शब्द जिवें ये एक वचन है ना जड़ा असीं पढ़दे हां लिखित वचन तिवें यीशु भी एक वचन है जिन्हों असीं सुनिया और समझिया और एक दिन उसका विश्वास कीता। समझने 18 साल तो दी बीमारी तो प्रभु ने की कर दिता? किन्ने आजाद किया? किसे ने नहीं, मैं नहीं, किसे और ने नहीं। कौन करदा यार? कौन करदा? क्योंकि मैं सिखाना या मैं सिर्फ समझाना या करदे कौन या? पर मेरिया गल्लां नूं तुसी अगर हल्के च लिया तो जीवन च कोई लाभ नहीं आएगा, कोई फायदा ही नहीं होएगा तुहानू। पर जिन्हों जेड़ा जेड़े लोग दीनता दे नाल नम्रता दे नाल जिन्हां नूं विश्वास है कि हाँ है ना, क्योंकि करना परमेश्वर ने, मैं तो सिर्फ तुहानू समझाना ते सिखाना है कि नहीं इदा नहीं, इदा करो, ए नियम है, इदा करो। जे कोई कहिंदा मैं कंगाल हाँ, मैं गरीब हाँ, मैनूं बरकत नहीं है, अगर मैं सिखाना क्यों अपनी कमाई का दशमांश करे परमेश्वर दे लई? अगर नहीं करता तो उन्हें सुनिया नहीं, फिर उन्हें सिंपल मतलब उन्हें सुनिया तो अगर किया नहीं उस काम नूं तो मतलब उन्हें सुनिया सुनिया नहीं। अगर उन्हें उस अनुसार किया नहीं है सुन के तो साफ मतलब पता लगता कि उन्हें सुनिया, क्योंकि सुन के उन्हें उस चीज नूं किया। जिवें पिछले दिन ही मैं कुछ आज्ञावां हुक्म तुहानूं दित्ते किन्नियां कि नहीं पता उन्हें पूरा किया, सब ने तो नहीं किया पर जड़े करनगे। मैं तां कह रहा कि जड़ा निरा सुनदे नहीं करदे नहीं अपने आप नूं धोखा दे रहे ने, पर सुन तो बाद जड़ा अपना मन तैयार कर लेंदा कि नहीं समझदे, क्योंकि हवा विचों आवाज नहीं आएगी, इन्हां दीवारां चों आए नहीं, इह बार डेंट चाननी चों तुहानूं आवाज नहीं आएगी। परमेश्वर हमेशा अपने सुने हुए लोगों के द्वारा बोलता है। समझते हो? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा की करते ने साडे नाल गल कर, समझ रहे हो? और निश्चय जो इंसान सुन तो बाद समझ के अपने मन नूं फराउंदा कि मैं किहदे लई करना आ, वो सेम नहीं रहेगा।
मैं क्या सेम नहीं रहेगा, अपने जीवन च सेम नहीं रहेगा। अगर मैं तुहानू पढ़ावां तसलुकियों दे लिखिया, उन्होंने अपने भारी कंगालपन विच लिखिया परमेश्वर नूं उदारता दे नाल दित्ता। कादे नाल दित्ता? उदारता दे नाल। समझदे हो? अगर तुसी अज अपने मन नूं तैयार कर रहे हो कि नहीं मैं हर सिचुएशन च, अगर सुख वेले, अगर वादे च तुसी उस चीज नूं कर रहे हो तो सारे चीज हर एक बंदा कर सकदा। पता तो तद लगेगा जब तुसी अपनी मुश्किल च जुड़ी जाओ, तुसी तद भी की हो वफादार, तुहाडी वफादारी तुहानू की करेगी बहुत उच्चा चुकेगी। तुहाडी वफादारी तुहानू की करेगी बहुत उच्चा चुकेगी। पर सुन के ठीक है जी, इन्ना तो बोलना ही बोलना हर वारी, इन्ना दा तो काम है। अहीं ते अपना हिसाब किताब लड़ावांगे, असीं तो देखांगे कि किवें साडा गुजारा किस तरह आ, समझदे हो? पर जिहड़ा इंसान सुन तो बाद अपने मन नूं फिरा लैंदा, मैं सच्ची कह रहा इस वचन नूं सुन तो बाद अगर तुसीं अपने मन नूं फिराओगे, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, कैसा भी समस्या क्यों नहीं, तुहाडी तुहाडी नहीं रहेगी, इत्थे रह जाएगी। तुसीं फ्री होके जाओगे, तुसीं फ्री होके जाओगे, फ्री होके। इस सच पर जे मन कठोर आ, सुन तो बाद भी मन कठोर आ, सुन तो बाद भी मन की आ कठोर आ तुहाडा, तो फिर अजे तुसीं आत्मिक नहीं हो। सुन तो बाद भी मन की आ कठोर आ तो फिर अजे आत्मिकता नहीं आई साडे अंदर, साडे अंदर फिर विश्वास नहीं आया, साडे अंदर प्रभु नहीं आया, तो कम फिर किवें बनेगा? क्योंकि अजे भी मन कठोर आ, सुन तो बाद भी मन की आ कठोर, तो किवें आएगा? बचे तुसीं सुन तो बाद नहीं फैसला लै लिया, अज तो मैं किहदे नाल जीना, मैं किहदी इच्छा नूं पूरा करना, कुछ भी होवे, तूफान जावे, नेरी जावे, कुछ भी होए, मैं 25 दिसंबर ते अपनी टेस्टमनी दित्ती कि नहीं दित्ती, कितना तेज बुखार सी मैं, अज तो कुछ साल पहला दी गल है, पर मैं फिर भी किदी संगति च गया और उस दो दिन दे फंक्शन नु मैं की कीता, और किसे नु ए नहीं पता कि मैनू मैं तकलीफ च आ, बोलो की आ, किसे नु नहीं पता लगा कि मैं तकलीफ च, क्योंकि मैं उस परमेश्वर दियां गल्लां नूं सुनिया ते समझिया। जिन्हें सुनिया नहीं समझिया वो बेचारा की करेगा? वो तो है तो बोलेगा हैगा, नहीं तो, पर परमेश्वर दा वचन उहदा नियम सानूं की सिखाउंदा? आप विश्वास आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा अंडिट वस्तुआं दी सबूती पक्का। जो चीज तुहानू नजर नहीं आंदी तुसीं सुनिया है, बोलो, जिवें अब्राहम ने सुनिया किहदे वचन नूं कि तू बहुत सारियां जातियां दा की होवांगा, उहदे घर बच्चा नहीं सी, औलाद नहीं सी, उह 75 साल दा सी, समां तो गुजरिया, समां तो गुजरिया, पर रोज रोज परमेश्वर दी गल नूं सुन के की कर रहा? धन्यवाद कर रहा, ओ धन्यवाद परमेश्वर, तुसी मैनू कहा कि असी इदा करते हैं अपने घर जाके, धन्यवाद परमेश्वर तुसी मैनू कहा, ये दुख मेरा नहीं है, मेरी बीमारी मेरी नहीं है, मेरा रोग मेरा कर्ज मेरा ये नहीं है, सब कुछ तेरा। कि असी जाके बोलते हैं अपने घर इस तरह, जिवें दाऊद लिखिया तारियां नूं वेखदा सी ते रात दे वेले इदा इदा करदा सी, ये मेरी संतान इदा होएगी, रेत की मुठ्ठी लेंदा सी छड़दा सी, रेत के किनकियां नूं कहिंदा मेरी, क्योंकि उन्हें किहदा वचन सुनिया? अगर तुसीं सुनिया ते तुसीं सेम दाऊद अब्राहम वर्गे दाऊद वर्गे हो जाओगे, क्योंकि उन्हां सारिया नबियां ने सारे जिन्ने प्रॉफिट विक्षकता जिन्ने ने सारे रसूल जिन्ने चेले उन्होंने किहदे वचन नूं सुन तो बाद इदां कीता? समझ
पर तुही सुन तो बाद कुछ भी नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट की आएगा आएगा रिजल्ट कुछ क्योंकि इदां दे इदां ही सेम रह जांदे हो मैं हर वारी वेखदा तुसी हर संडे फिर उदां ही क्योंकि चेंज आना चाहिए साडे जीवन च अगर असीं सुनिया हर हफ्ते साडे जीवन चेंज आ जाना चाहिए हर हफ्ते तुहाडे जीवन च एक न्यू टेस्टमनी होनी चाहिए है तुहाडे जीवन दे सुभाउ नूं बदलदे होए होनी चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ मैं इदा सी पहला मैं इदा करदा ही मैं सुनिया परमेश्वर दा वचन तो मैं उस जीवन नूं छड्ड दित्ता मैं नहीं हुण इदा नहीं करदा पहला मैं सोचदा सी अपनी अभिलाषा च जीना सी मैं उस चीज नूं छड्डता समझदे मैं पहला तो नहीं मैं करदा ही पहला तो मैं सरदा बनदा करदा ही सरदा बनदा समझदे हो सारे सरदा बनदा नहीं पर मैं सुनिया मैं समझिया क्योंकि सानू परमेश्वर की देंदा बहुत बरकत देंदा ना इंसान नु कुछ दे सकदा समझदे क्योंकि हर एक गल नु सुन तो बाद समझन तो बाद हुंदा है ना तो तू सुनिया नहीं है समझिया नहीं है तो कुछ भी नहीं होएगा होएगा बोलो होएगा होएगा चेंज आएगा साडे जीवन च कुछ नहीं होएगा कोई चेंज नहीं आएगा असीं इदां ही सालों साल अपने जीवन च जूंदे रहांगे और साडा समा बीतदा जाएगा और ये अनुग्रह दा समा है एक कृपा दा समा है पर अज तो ही अगर इस गल नूं सुन तो बाद मैं हर गल जो परमेश्वर मैनु दस दी ने अपने वचन च मैं उन्हें पूरा करना है की करना मैं उन्हें अगर कहिंदा सारिया नाल प्रेम कर तो मैं करना अगर वो मैनु ये कह रहा तो मैं उस चीज नूं करना है अगर कोई भी समाज सत्संग दा समय दा समय है तो मैं करना है मैं किहदे लई करना समझदे हो कदी कदी कुछ लोग की हुंदे ने जदों नवे आंदे तो उन्हां दा बड़ा मन हुंदी बड़ी चाहत हुंदी है बड़ा विश्वास हुंदा पर जिवें जिवें समां बीतदा उन्हां दी चंगियाई तो बाद चंगे हो जाण तो बाद शैतान उन्हां दे मन नूं हल्का करदा है चलो जी तेरा ते कम हो गया पर इदां दा असीं नहीं करना समझदे इसलिए अज तो बाद अगर तुसीं सुनिया परमेश्वर दे वचन नूं तो अपने मन नूं फिरा लो फैसला ले लो अज तो कि दे नाल जींदा फिर तुसीं धोखे च नहीं रहोगे कि नहीं रहोगे तुसीं धोखे च नहीं रहोगे समझदे हो सो इस वचन दे नाल परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत दे चुके ने तुहाडे जीवन नूं चेंज कर चुके ने जो भी तुहाडी प्रॉब्लम सी मैं विश्वास करदा मैं प्रोफेसी करदा तुहाडे लई अज तुहाडी नहीं रहेगी अज हर दुख तुहाडे जीवन चों चला जाएगा हर समस्या तुहाडी तन छड्ड के चली जाएगी तुहाडे कारोबार खुल जाणगे तुहाडे कर्ज उतर जाणगे तुहाडी प्रॉब्लम चली जाएगी तुहाडे रिश्तियां दे विच जिहड़े विघन ने ओह दूर हो जाणगे तुहाडे घरां च ब्लैसिंग आएगी आशीष आएगी परमेश्वर दी और निश्चय एवें परमेश्वर कर चुका अज यीशु मसीह दे नाम च आमीन किन्नियां नूं इह विश्वास है सारिआं नूं विश्वास है अज तुहाडे विश्वास दी तुहाडे विश्वास दीआं इस संडे अगर तुसीं सुनिया है अगर सुनिया वचन कि अज इस संडे तुहाडे कोल अद्भुत गवाहियां होणगीआं परमेश्वर दी महिमा नूं दस्सण दे लई अद्भुत काम होणगे हुण तुसीं करना की अगर सुनिया तुसीं क्योंकि साडी लड़ाई किहदे नाल आ तुसीं अज तों तुहाडे कोल पूरा हफ्ता आ तुसीं अपनी गल रोज रोज किन्नू कहणी है और आमीन बोलना धन्नवाद करना है कि बोलना है बोलने तो बाद आमीन धन्नवाद करना है समझदे हां किन्नियां दी चाहत है अगे
इस संडे मेरे नाल बहुत सारे लोग होंगे कि साढ़े काम सारे विश्वास नाल होंगे होंगे कि नहीं होंगे और निश्चय होंगे समझे हो प्रभु ने सानू बुलाया ही अपने राज विच ऐसे लिए समझे हो तुहाडी हर जरूरत तुहाडी हर घटी कर चुका हो पूरी कर चुका तो आप अपनी अखां नूं बंद करो असि भी नूं बोवांगे परमेश्वर दे लई असि सुनिया अज कि असि किस मन नाल बोने हां क्योंकि जिस मन नाल असि बोवांगे उसे मन नाल कटांगे क्योंकि बाणी च लिखिया जिद्दां दा बीजांगे उद्दां दा ही वड्डांगे परमेश्वर दे दास पौलुस ने कहा जिन्ना कोई बीजेगा उन्ना ही वड्डेगा अगर सुन तो बाद कीता नहीं आ तो सेम अज ओही वचन है बोलो किया सुन तो बाद अगर कीता नहीं तो सी अपने अपने मन नु परमेश्वर को लेके जाओ और बोलो परमेश्वर तेरी मैं हर गल नु पूरा करना मेनू पूरा करने वाला मन दे सब अपने अखां नु बंद करो और सिरां नु चुकाओ और अपने मन नु बोलो कि मैं परमेश्वर तेरी हर गल नु सुन तो बाद पूरा करना सब अपनी अखां नु बंद रखो सिरां नु चुकाओ और अपने मन नु ए मंगो कि परमेश्वर मैनू ऐसा मन दे कि मैं तेरी हर इच्छा नु सुन तो बाद मैं पूरा कर पावां मंगो 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 चाहत नाल मंगो क्योंकि वो तुहाडे तो दूर नहीं आ वो नेड़े दा परमेश्वर आ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ यीशु मसीह के नाम च आमीन आओ इस भजन दे राही असीं प्रभु दी बहुत महिमा करांगे जाओ पंचो पंचो जाओ हेलो हेलो जदों बल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोधी तेरे होंगे जदों बल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोधी तेरे होंगे जदों बल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोधी तेरे होंगे जदों बल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोधी तेरे होंगे जदों Oh.
Hallelujah! Hallelujah!